राम राम जी। मैं नीलम आप सभी का अपने चैनल पर बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ भाजी। पाव भाजी बहुत अच्छी लगती है सभी को, और मैं दिखाती हूँ आपको क्या क्या मैंने डाला उसमें और क्या क्या। मैं इसमें पनीर डालूंगी, सब्जी आप जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। एक गाजर बारीक काट के रखी है मैंने, थोड़े से फ्रोजन मटर भिगो के रखे हैं, दो प्याज काट के रखे हैं, दो टमाटर ग्रेट करें, एक शिमला मिर्च ली है, थोड़ी सी मैंने घिया काट कर भिगो के रखी है क्योंकि इसको डायरेक्ट रख दो तो ये काली हो जाती है। पनीर लिया जी मैंने, घर का बना हुआ पनीर है। बनाते टाइम मैं इसमें नमक मसाले डालती हूँ, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। आप भी घर बनाएं तो उसको बनाते, इसको हैंग करने से पहले आप जो मसाला आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। थोड़ा सा मैंने अदरक लिया और मैं बनाऊंगी इसको फ्रेश मक्खन से। अभी मैं गैस ऑन करके एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल कढ़ाई में पका के रखा है, क्योंकि डायरेक्ट मक्खन डालने से कढ़ाई को लगता है वो जल्द। गैस ऑन कर दी, कढ़ाई में मैंने एक बड़ा चम्मच ऑयल डाल के इसको पका के रखा है, डायरेक्ट मक्खन डालने से नीचे लग जाता है वो। मैं एक चम्मच जो जीरा लिया था वो डाल दूंगी। जीरा को अच्छी तरह ब्राउन करेंगे, इसकी फ्लेवर सारी घी में आ जाए। अभी जो अदरक ग्रेट करके रखा वो डाल दूंगी। प्याज प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करना, थोड़े से सॉफ्ट होंगे तो तभी हम सारी सब्जियां डाल देंगे। सॉफ्ट हो गया, इस तेल में हम हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। डाल देंगे टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, मटर, ठीक
दो मिनट पहले हम भूनेंगे, फिर पानी डाल के 3 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर को स्मैशर से इसको बिल्कुल बीट करके अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। 2 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह भून लिया इसको। अब इसमें डाल देंगे नमक, नमक को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इतना सा पानी डाल लेंगे। इसको ढककर अभी 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे क्योंकि नीचे ना लगे। सब्जियों को मैंने 3 मिनट पहले पकाया, पूरे 5 मिनट आप हम स्मैशर से हम इसको मैश कर देंगे। चाहे तो आप इनको कुकर में बिजली भी दिला सकते हैं, मगर ऐसे पकाने से इनका टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। पता भी नहीं चलेगा सब्जी कौन सी डाली है। मैंने लिया था भाजी मसाला, ये मैंने घर तैयार किया। 1 चम्मच भाजी मसाला, थोड़ी सी कसूरी मिर्च, अभी बारी आई पनीर की। थोड़ा सा पहले पानी डालेंगे, अभी हम पनीर डाल देंगे। भाजी पकाने को टाइम जरूर लगा, मगर बहुत ही यम्मी बनती है, बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट लगता है इसका। अभी मैं 2 मिनट इसको और पकाऊंगी क्योंकि सारे फ्लेवर पनीर में आ गए। होटल में लगा इसको मैंने 12 मिनट पकाया, बहुत अच्छी पाव भाजी भाजी हमारी बन गई है। पाव के साथ खाएं, चाहे कुलचे के साथ खाएं, फुलके के साथ भी, तंदूरी फुलके के साथ ही बहुत अच्छी लगती है। चलो अब इसमें डाल दें, गैस कर देंगे बंद। अभी हम सर्व करते हैं। मसाला पनीर भाजी बनकर तैयार हो गई है। पाव के साथ खाएं, जब खाना हो तभी पाव को हम फ्राई करते हैं, तवे पे गरम गरम बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें।